एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योतिका, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पे। तो मैं अगेन आती हूँ आप लोगों के लिए मीशो का होम डेकोर का आइटम लेके। इस बार मैंने परचेस किया है बहुत ही कम कम रेंज वाला और बहुत ही सुंदर सुंदर सा मैंने प्रोडक्ट्स परचेस किया है। उसी का मैं आप लोगों से रिव्यू में शेयर करने वाली हूँ। जो मैंने परचेस किया है वो मुझे एकदम सही मुझे रिसीव हुआ है या डिफरेंट रिसीव हुआ है या फिर क्वालिटी कैसी है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और अपने घर को बहुत ही सुंदर और डेकोरेटिव बनाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी सारा का सारा मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको भी सेम बाय करना है तो आप वहाँ जाकर बाय कर सकते हो। तो चलो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। मीशो से मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैंने लिया है सेरेमिक का हाफ कप लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी पे मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पे सेट ऑफ 3 मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पे रेड मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको येलो मिल जाएगा। काफी अच्छी क्वालिटी है और इसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ भी है, ब्लेस्ड लिखा हुआ है, ग्रेटफुल लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो थैंकफुल लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा सा है, क्वालिटी काफी अच्छी है, फिनिशिंग काफी अच्छी है। पीछे में आपको ऐसा हैंग करने को भी दिया गया है और यहाँ पे आपको ऐसा पकड़ने के लिए भी, अगर कहीं पे आप इसे रखना भी चाहते हो तो बस रख सकते हो, हैंग करने की जरूरत नहीं है। अगर हैंग करना चाहते हो तो हैंग करने में भी बहुत सुंदर दिखने वाला है। और ऊपर में छोटे छोटे से प्लांटर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो नॉर्मली आप इसे ऐसे भी हैंग कर सकते हो। और बाकी आप देख सकते हो कोई डैमेज नहीं है। मुझे काफी अच्छे से इसकी पैकेजिंग मुझे रिसीव हुई है, मुझे काफी अच्छा लगा। तो सेरेमिक का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया और मुझे कोई डैमेज नहीं मिला, क्वालिटी एक नंबर आपको मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा पीस है और जहाँ से जिस सेलर से मैंने ये बाय किया है ना, वहाँ से आप चाहो तो वहाँ से आप नेम कस्टमाइज करा सकते हो। वहाँ पे आप उनको कांटेक्ट करके, वहाँ पे नंबर दिया गया है, अगर वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लोगे तो वहाँ पे अगर आपको किसी के नाम पे ही आपको करना है तो वहाँ पे वो हो जाएगा। बस थोड़े चार्जेस हो सकते हैं कि आगे पीछे हो जाए, बाकी क्वालिटी एक नंबर आपको मिलने वाली है। या फिर ऐसा चीज आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो चलो फिर मैं कहीं ना कहीं आपको इसको डेकोर करके दिखाती हूँ, डेकोर करने के बाद ये कैसा लगता है। मीशो से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट आइटम मैंने जो परचेस किया है, यहाँ पे परचेस किया है ये आर्टिफिशियल आपको ऐसा फ्लावर मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा आपको ये फ्लावर मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने ब्लू और व्हाइट कलर के शेड का फ्लावर लिया है। यहाँ पे आपको 2-3 कलियाँ मिल जाएगी और इस फ्लावर इसमें आपको 3 फ्लावर मिल जाएंगे और 2 कलियाँ मिल जाएगी। क्वालिटी काफी अच्छी है, जो पत्ता भी है वो एकदम ओरिजिनल दिख रहा है। लेंथ काफी अच्छा है, क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर आप चाहो तो इसमें 3-4 कलर का ऑप्शन भी है, अगर अलग अलग कलर में अगर आपको बाय करना है तो वहां से भी आप जाके बाय कर सकते हो। वैसे तो आप देख सकते हो क्वालिटी काफी अच्छी, क्वालिटी में कोई कंप्लेन नहीं हो कर सकता इसमें, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी पे आपको रिसीव हो जाएगा और बहुत ही सुंदर दिख भी रहा है ये फ्लावर। मुझे काफी अच्छा लगा और एकदम ओरिजिनल ओरिजिनल लग रहा है, देख के ही बहुत प्यारा लग रहा है। और इसे मैं किसी न किसी पॉट पे रख के ही मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा है और लेंथ भी काफी अच्छा है। अगर आप चाहो तो अगर आपके पास छोटा पॉट है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ के भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, मतलब टूटेगा नहीं जल्दी। अंदर पे वायर दिया गया है तो टूटने वाला नहीं है, आप मोड़ोगे तो इजी मुड़ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मुझे भी रिसीव हुआ था वो मुड़ा हुआ रिसीव हुआ था, तो आप अगर उसको मोड़ के ही डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है। अगर आपके पास बहुत लंबा आपके पास पॉट होगा तो वहां पे इजिली आप इसे रख सकते हो। तो चलो फिर, मेरे पास तो छोटा पॉट है तो मैं छोटे वाले में ही लगा के दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। मीशो से जो मेरा नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेस किया है, यहाँ पे मैंने परचेस किया है ये बहुत ही प्यारा सा मेटल का। मैंने अभी फेस्टिवल वगैरह भी आने वाला है तो यहाँ पे आपको ऐसा मेटल का आपको ये मिल जाएगा, काफी अच्छा डेकोरेटिव पर्पस से आपको ये मिलने वाला है। यहाँ पे आप फ्लावर भी रख सकते हो या फिर कुछ वाटर वगैरह रखो और कुछ फ्लावर का पेटल्स रखो और दिया रखो, एक नंबर आपको दिखेगा। या फिर रंगोली के पास भी ये सब चीज रख सकते हो ना, मेरे को तो एकदम ट्रे जैसा दिख रहा है, काफी अच्छा है। और ये आपको
मिल जाएगा सनफ्लावर शेप में आपको यह मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है, जो यहाँ पे रेड कलर और ये व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन बना के दिया है ना, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मुझे काफी सुंदर और काफी अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा है। फिनिशिंग आप देख सकते हो, पीछे में भी व्हाइट आपको मिल जाएगा, आगे पीछे में भी देख सकते हो, कोई भी डैमेज नहीं है। बहुत ही अच्छे से मुझे ये रिसीव हो गया है, क्वालिटी तो एक नंबर मुझे मिला है, और मैं क्या बताऊँ, आप देख ही सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलो फिर मैं कहीं ना कहीं इसको आपको कहीं ना कहीं डेकोर करके दिखाती हूँ, डेकोर करने के बाद कैसा लगता है। मीशो से जो मैंने नेक्स्ट आइटम परचेस किया है, यहाँ पे मैंने परचेस किया है कर्टन परचेस किया है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कर्टन मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है। यहाँ पे जो प्रिंट है ना, मुझे काफी अच्छा लगा प्रिंट, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा पेड़ बना हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर के आपको शेड्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे ब्लू, नेवी ब्लू, व्हाइट वाला है, क्वालिटी एक नंबर मिलेगी। यहाँ पे मैंने 7 फीट वाला लिया है, अगर आप चाहो 5 फीट वाला भी ले सकते हो, 9 फीट वाला भी ले सकते हो। तो मुझे यहाँ पे 7 फीट वाला मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे विंडो और डोर के अकॉर्डिंग 7 फीट वाला मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे 7 फीट वाला लिया है। क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी है, जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है ना, वो यहाँ पे पॉलिस्टर क्वालिटी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऐसा रिंग मिल जाएगा, रिंग की भी क्वालिटी काफी अच्छी है। किसी किसी रिंग पे ना क्या रहता है, जंग लगा रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बहुत ही प्यारा पीस है, मुझे काफी अच्छा लगा, और मुझे पता है कि ये लगाने के बाद भी बहुत सुंदर दिखने वाला है, क्योंकि ये इसमें सारा में आपको देखो ना सेम प्रिंट मिलने वाला है, कोई भी अलग प्रिंट नहीं मिलेगा। पीछे में भी आपको ऐसा हल्का सा प्रिंट जैसे दिखेगा, लेकिन आपको आगे पीछे का अंतर यहाँ पे शाइन करते हुए दिखेगा। बहुत ही प्यारा पीस है, मुझे काफी अच्छा लगा, और इसमें अगर आपको 7 फीट लेना है, 5 फीट लेना है या 9 फीट लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलो फिर मैं इसे लगा के दिखाती हूँ, लगाने के बाद कैसा लगता है। मीशो से जो मैंने नेक्स्ट आइटम परचेस किया है, यहाँ पे मैंने परचेस किया है वुडन का काफी सुंदर सा, मैंने ये मिनी रैक लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आपको वुडन का मिल जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे से आप कुछ भी चीज रख सकते हो, आर्टिफिशियल प्लांट रख सकते हो, या फिर अपना कुछ भी शो पीस रख सकते हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी पे आपको रिसीव हो जाएगा, और ये कहीं भी कॉर्नर पे आप रख लोगे तो बहुत प्यारा दिखने वाला है। और बाकी तो आप देख ही सकते हो, फिनिशिंग एक नंबर है, वुडन आपको मिलने वाला है, और इसमें वुडन में भी कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि कहीं से कोई भी क्रैक या डैमेज नहीं मिलेगा आपको। मुझे बहुत ही अच्छा चीज मुझे रिसीव हो गया है, लेंथ काफी अच्छा आपको मिल जाएगा, और ये सब के सब आप देख सकते हो जो भी है ना, वो आपको पूरा का पूरा निकला हुआ मिलेगा, इसको खुद से आपको लगाना पड़ेगा। और बहुत ही प्यारा पीस है, और मैं भी इसमें कुछ ना कुछ अच्छा चीज लगा के ही मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि देखने में भी बहुत प्यारा लगे और सुंदर लगे। तो चलो फिर फटाफट से मैं आपको लगा के और दिखाती हूँ कि इसको कहीं ना कहीं रखने में और इसके ऊपर कुछ ना कुछ रखने के बाद, ये लगाने के बाद कैसा दिखता है। मीशो से मैंने नेक्स्ट आइटम यहाँ पे लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो मेटल का मैंने यहाँ पे कैंडल होल्डर लिया है, जो कि बहुत ही प्यारा सा है। यहाँ पे आपको लोटस के शेप का मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो ओरिजिनल कैंडल लगा सकते हो, यहाँ पे आप ओरिजिनल भी लगा सकते हो, आर्टिफिशियल भी लगा सकते हो, आपके पास जो कैंडल अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा आपको मिल जाएगा, क्वालिटी एक नंबर है, कहीं से कोई डैमेज नहीं है, फिनिशिंग काफी अच्छी है, और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ऐसा गोल्डन कलर में मिल जाएगा। मैं इसमें आर्टिफिशियल कैंडल भी लगा के दिखाने वाली हूँ, और ये बहुत कम का है, मतलब इतना कम का है कि मतलब 100 रुपीज के अंदर का आपको मिल जाएगा सेट ऑफ टू। इतना प्यारा सा चीज है, और बहुत कम रेंज का है, और बहुत ही यूजफुल चीज भी है, मतलब कि अब तो फेस्टिवल सब भी आ रहा है, तो वो सबके लिए भी आप अच्छे से इसे यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं, इसको डेकोर करके, और बहुत ही प्यारा दिखने वाला है। तो मैं तो इसे कहीं ना कहीं अच्छे से प्लेस पे ही इसे मैं लगा के दिखाने वाली हूँ आपको। लगाने के बाद मुझे पता है कि बहुत सुंदर दिखने वाला है, और इतने कम रेंज पे आपको ये सब चीजें मिल रहा है, तो सबको तो छोड़ना बिल्कुल भी मत, आप जरूर परचेस करना इसको,
तो चलो फिर फटाफट से मैं कहीं ना कहीं इसको लगा के दिखाती हूँ आपको। मीशो से मैंने यहाँ पे परचेस किया है व्हाइट कलर में सेट ऑफ टू झरोखा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी पे मुझे रिसीव हो गया है। पूरा का पूरा आपको ऐसा व्हाइट मिल जाएगा, बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं ऐसा ब्लैक का थोड़ा सा वो मिल जाएगा, जैसे उड़न का ये पूरा का पूरा आपको बना हुआ मिल जाएगा। काफी अच्छी क्वालिटी है, बीच बीच में आपको ऐसा कुछ गैप मिल रहा है, यहाँ पे पत्ता बना हुआ मिल जाएगा, पीछे में आपको ऐसा हैंग करने के लिए भी मिल जाएगा। इसमें भी सेम यही चीज है, और आपको किल के साथ ही मिल रहा है क्योंकि इसमें सेट ऑफ टू है, तो दो ही किल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर आपके पास किल ऑलरेडी लगा हुआ है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको लेके जाओ और इसको यहाँ पे हैंग कर लो। बहुत ही प्यारा दिखने वाला है सेट ऑफ टू, बहुत ही कम रेंज पे, मतलब 300 या 350 रुपए के अंदर मुझे मिल गया है। क्वालिटी एक नंबर मिलने वाली है, पूरा का पूरा वुडन का मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा पीस है। और कोई भी डार्क आपका बैकग्राउंड होगा वहां पे लगाओगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे कोई डार्क बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं इसी पे मैं लगा के आपको दिखाऊंगी। येलो शेड पे ही मैं आपको ऐसा लगा के दिखाने वाली हूँ, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि डार्क में ज्यादा ये उभर के आता है क्योंकि ये व्हाइट कलर है, तो यहाँ पे उतना है नहीं, तो हो गया। फिर भी मैं ऐसे ही लगा के मैं दिखाने वाली हूँ, कम से कम देख के आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा समझ में आएगा तो आप भी अपने लिए बाय कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा सा पीस है और आप जरूर इसको बाय करना। तो चलो फिर मैं फटाफट से मैं कहीं ना कहीं इसको लगा के दिखाती हूँ, लगाने के बाद ही कैसा लगता है। मीशो से जो मैंने नेक्स्ट आइटम मैंने परचेस किया है, यहाँ पे मैंने परचेस किया है रनर। काफी सुंदर और अच्छी क्वालिटी पे आपको ऐसा रनर मिल जाएगा, ये आपको पूरा का पूरा वेलवेट में मिलने वाला है, और ये आगे पीछे दोनों साइड से आप इसे बिछा सकते हो। बहुत ही प्यारा सा आपको यहाँ पे ऐसा डिजाइन मिल जाएगा, पूरा का पूरा आपको ऐसा वर्क मिल जाएगा, और पूरा आगे और पीछे पूरा आपको ऐसा वेलवेट मिलने वाला है। फिनिशिंग काफी अच्छी है, क्वालिटी काफी अच्छी है, जो इसका मटेरियल जो यूज किया गया है वो आपको कॉटन मिलने वाला है। लेंथ भी काफी अच्छा आपको मिल जाएगा, मुझे काफी लेंथ इसका अच्छा लगा, और ये आप कहीं भी लगा सकते हो, अपने डाइनिंग रूम में या फिर हॉल में या फिर किचन में या फिर अपने बेडरूम में, कहीं भी लगाओ, बहुत प्यारा दिखने वाला है। तो ये मैं कहीं ना कहीं कॉर्नर पे लगाऊंगी, और वहीं नीचे पे ही कुछ अच्छा सा मैं डेकोरेट करके मैं कुछ ना कुछ करके मैं दिखाऊंगी, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ही सुंदर लगेगा अगर मैं इसे कहीं ना कहीं इसको लगा के दिखाने वाली हूँ, और ये कहीं भी लगाओगे ना बहुत प्यारा लगने वाला है, क्योंकि इतना सुंदर दिख भी रहा है। और व्हाइट और आपको यहाँ पे नेवी ब्लू कलर में मिल रहा है, क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो, मुझे काफी सुंदर और काफी अच्छा लगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर इसको बाय करो। आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा कॉर्नर दिखा दूं और पीछे में भी आपको दिखा दूं, पीछे से भी आपको ऐसा डिजाइन मिल जाएगा। दोनों के साइड से कहीं से भी बिछाओ, आगे साइड से बिछाओ चाहे पीछे साइड से बिछाओ, दोनों साइड से आप इसे यूज कर सकते हो। वॉशेबल है, आराम से इसे वॉश भी कर सकते हो, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 300 350 रुपए के अंदर इजली आपको मिल जाएगा, और क्वालिटी एक नंबर मिलने वाली है, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है इसमें, बहुत ही प्यारा पीस है। तो चलो फिर मैं कहीं ना कहीं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ, लगाने के बाद कैसा लगता है। तो मीशो का मेरा आज का सबसे लास्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैंने लिया है मेटल का सेट ऑफ टी। यहाँ पे आपको ऐसा वॉल पे लगाने के लिए ये मिल जाएगा, काफी सुंदर है। यहाँ पे आपको ऐसा ये मिल जाएगा, पत्ते बने हुए मिल जाएंगे, काफी सुंदर लग रहा है। सेट ऑफ टू मिल रहा है आपको, यहाँ पे पूरा का पूरा गोल्डन और ऑरेंज कलर पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए दो आपको यहाँ पे होल मिल रहा है, ताकि इजिली आप इसे हैंग कर सको। क्वालिटी काफी अच्छी है, छोटा भी नहीं है ज्यादा और बड़ा भी नहीं है ज्यादा, मुझे काफी अच्छा लगा क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि इतने कम रेंज पे आपको ये सब चीज मिल रहा है, वो भी सेट ऑफ टू, बहुत ही अच्छा चीज आपको मिल रहा है।
तो आप जरूर इसको बाय करो। वैसे तो मैं इसे अपने कहीं ना कहीं रूम पे ही कहीं ना कहीं लगा के दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा पीस है, मुझे काफी सुंदर और काफी अच्छा लगा और अट्रैक्टिव दिख भी रहा है। गोल्डन और ऑरेंज कलर पे ये आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है, देख सकते हो। लेंथ काफी अच्छा है, सजेस्ट करूंगी कि आप इसको बाय करो और अपने घर को सुंदर और डेकोरेट करो, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और अभी तो फेस्टिवल सब भी आ रहा है, तो एकदम अच्छे से आप अपने घर को डेकोरेट करो और प्यारा सा बनाओ अपने घर को। और ये कहीं भी वैसे आप लगा सकते हो, ज्यादा रेंज का भी नहीं है, ये आपको 350 या 400 के अंदर में मिल जाएगा। और आगे पीछे आप देख सकते हो, पीछे में भी आपको पूरा का पूरा ऐसा गोल्डन मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा पीस है। तो चलो फिर मैं फटाफट से कहीं ना कहीं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ, लगाने के बाद ये कैसा लगता है। आई होप कि आपको मेरा मिशो होम डेकोर का आइटम बहुत ही ज़्यादा अच्छा और यूजफुल रहा हो आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुँच जाए। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले डाटा, बाय बाय, टेक केयर।